bang, cleared for takeoff. Clap. Yo. Hello, my lovely friends. Welcome back to my channel. और मेरे चैनल पे आपका बहुत 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 बड़ा स्वागत है। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो भी प्रोडक्ट का आज मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ या इससे पहले मैंने जितने भी रिव्यूज दिए हैं आपको, वो सारा कुछ मेरा खुद का यूज किया हुआ, टेस्ट किया हुआ, उसके बाद में वो रिव्यू मैंने शेयर किया आपके साथ में। कोई भी वीडियो मेरी ऐसी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ना मुझे किसी ने कहा है कि इसके बारे में रिव्यू करिए और अच्छा अच्छा बोलिए, ऐसा नहीं है। मैं जो भी रिव्यू दूंगी बहुत जेन्युइन होगा वो और बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इन केस इन फ्यूचर कभी भी मुझे स्पॉन्सर्ड वीडियो भी अगर मिलता है तो भी जो मेरे रिव्यूज होंगे, जो उस प्रोडक्ट के बारे में मेरा व्यू होगा, वो बिल्कुल ही सच्चा और साफ होगा। तो अब बात कर लेते हैं जल्दी से आज के प्रोडक्ट की। तो जो आज का प्रोडक्ट है फ्रेंड्स वो है मामाअर्थ का लिपस्टिक। ये लिपस्टिक मैंने फर्स्ट टाइम परचेज की है। मामाअर्थ की लिप बाम है मेरे पास पहले से, लेकिन लिपस्टिक मैंने आज पहली बार खरीदी है। आई थिंक ये अभी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुई है या पहले से है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अचानक ही ये लिपस्टिक देखी तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक बार ट्राई किया जाए और इसका रिव्यू शेयर किया जाए। तो अगर मैं इसकी पैकिंग की बात करूं तो पैकिंग अच्छी है। उन लोगों का हर पैकिंग में यही कलर होता है, वाइट ग्रीन, है ना, तो इसी तरह की पैकिंग है इसके बॉक्स की। तो अच्छा है, बॉक्स कूल है और बॉक्स के ऊपर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और यस फ्रेंड्स, सारी इंफॉर्मेशन है, ऐसा इन लोगों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है कि कुछ इसमें मिसिंग हो। जो आप एक आप हो, कस्टमर है कोई, अगर उसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है अपने प्रोडक्ट के बारे में, वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा बॉक्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स, बॉक्स के ऊपर जो जो लिखा हुआ है वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। इस पे लिखा हुआ है मामाअर्थ मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक विद एवोकाडो ऑयल एंड विटामिन ई। तो इट मीन्स इसमें मॉइस्चर मैट लिखा हुआ है, तो आपके ये लिप्स को ज्यादा ड्राई आउट नहीं करेगा क्योंकि इसमें विटामिन ई भी है और एवोकाडो ऑयल भी है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके लिप्स ड्राई आउट नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा, इसके बॉक्स पे ये भी लिखा हुआ है कि ये स्मज प्रूफ है, कंफर्टेबल है वेयर करने में, है ना। और दूसरा, इसमें जो सबसे बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। यस फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये चीज अगर इस पर लिखी हुई है, इट मीन्स कि आपके लिप्स के ऊपर कैसा भी कोई भी रिएक्शन कभी नहीं होगा ये लिपस्टिक अप्लाई करने से, और ना तो कोई किसी भी तरह की इचिंग होगी या ना तो बहुत ज्यादा ड्राइनेस होगी आपके लिप्स के ऊपर, ठीक है। तो लेकिन क्लेम्स तो इसने बहुत अच्छे अच्छे किए हैं, अब देखते हैं वाकई ये चीजें हैं या नहीं। मामाअर्थ जैसा ब्रांड है तो वाकई अच्छा ही लिखा है, जो लिखा है सच लिखा है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है, इसका MRP लिखा हुआ है, एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखी हुई है। आपको बॉक्स के पीछे ये भी मिल जाएगा, डायरेक्शन फॉर यूज, और इसके यहाँ पर उस तरीके के इंग्रेडिएंट्स थोड़े मिसिंग है ना, लेकिन जो मुझे लग रहा है वो आगे इन्होंने मेंशन कर दिया है कि इसके अंदर उन्होंने क्या इंक्लूड किया है, एवोकाडो ऑयल है, विटामिन ई है ना, तो शायद इसीलिए इंग्रेडिएंट्स इस पे और पीछे कुछ भी नहीं दिए हुए हैं। इसके ऊपर आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएगा, इन केस अगर आपको आपके प्रोडक्ट के साथ में कैसा भी इश्यू हो जाता है तो आप कॉल करके अपना इश्यू क्लियर कर सकते हैं। बॉक्स के ऊपर आपको शेड नेम एज वेल एज शेड नंबर दोनों ही मिल जाएगा। तो जो मेरा शेड नंबर है वो है फ्रेंड 07 और जो नाम है इस शेड का वो है रसबेरी स्कारलेट। तो मैंने ये शेड इसीलिए पिक किया क्योंकि करवा चौथ आ रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो इस टाइप का कोई कलर चूज किया जाए जो करवा चौथ पे बहुत अच्छा जाता है हमारे आउटफिट्स के साथ में। इसमें काफी सारे शेड अवेलेबल है,
आप अपने पसंद से, अपने हिसाब से आप अपना शेड चूज कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसकी ना आपको पैकिंग दिखाती हूँ। लाइक ऊपर का तो मैं आपको सब दिखा चुकी हूँ, ठीक है। अब जो इसको खोलने का एक बड़ा ही अच्छा सिस्टम है वो है यहाँ पर, इन्होंने एक ये दिया हुआ है, हाँ मीन्स इस तरीके का एक लूप है जिसको हम ना ऐसे खींचेंगे तो बॉक्स निकल के आएगा। तो पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी है, लाइक मस्त पैकेजिंग है इसकी। तो देखिए चलो इसको मैं खोल के दिखाती हूँ। देखो आप इस तरीके से, और हाँ ये हो गया है खाली। इसको रखते हैं साइड में और दिखाते हैं आपको कि अंदर प्रोडक्ट किस तरीके से रखा हुआ है। लाइक इतना सेफली रखा हुआ है ना कि आपके प्रोडक्ट को कैसे भी कहीं से भी डैमेज होने का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर पैकिंग की बात करूँ ना तो मामा अर्थ की पैकिंग मुझे वाकई पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। मैंने मामा अर्थ का फाउंडेशन भी लिया हुआ है, वो भी मैं यूज करती हूँ। उसकी पैकिंग भी वाओ, मतलब एकदम ही मस्त वाली पैकिंग है। बॉटल को इतने अच्छे से अंदर सिक्योर करके भेजते हैं ना कि भाई कैसे भी आपकी बॉटल कैसे भी टूट नहीं सकती है। हाँ अब कोई बहुत ही जोर से यू नो ऐसा जमीन पे पटक ही दे तो बात अलग है, लेकिन अपना प्रोडक्ट जब हमारे घर पे आता है, डिलीवरी वाला दिन जो होता है हमारे प्रोडक्ट का, उस दिन बाय चांस किसी से गिर जाए बॉक्स तो वो टूटेगा नहीं, ठीक है। इतनी अच्छी पैकिंग होती है इनकी। तो अब बात कर लेते हैं इसकी, यहाँ पे मैं इसका रिव्यू देने बैठी हूँ ना कि फाउंडेशन का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम ना इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। ये जो बॉक्स है इसके अंदर भी फ्रेंड्स ना बहुत कुछ लिखा हुआ है। बहुत से लोग पढ़ते होंगे, बहुत से लोग नहीं भी पढ़ते होंगे, साइड में रख देते होंगे बॉक्स को, लेकिन मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। वी प्लांट गुडनेस, ये तो सभी को पता है मामा अर्थ किस लिए फेमस है कि नहीं। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अगर जिसको पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइए कि मामा अर्थ ये चीजें क्यों लिखता है कि वी प्लांट गुडनेस, उनका क्या मोटिव है इसके लिए, ठीक है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आगे बात करते हैं चलो लिपस्टिक की, ठीक है। तो फ्रेंड्स लिपस्टिक फाइनली मैं आपको दिखाती हूँ। तो पैकेजिंग वाइज लिपस्टिक इस तरह की है, देखिए लाइक बहुत अच्छी पैकिंग है। वही इसका वाइट कलर, उसके ऊपर ब्लू ग्रीन इस तरीके का कॉम्बिनेशन है, लाइक मुझे बहुत पसंद आता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा है। और इसके ऊपर भी लिखा हुआ है एवोकाडो एंड विटामिन ई, ठीक है। तो ये चीज भी इस पे लिखी हुई है। अच्छा, लिपस्टिक के ऊपर भी हमें एक्सपायरी डेट मिल जाएगा, तो ये मुझे सबसे अच्छी बात लगती है। जो मेन प्रोडक्ट होता है ना हमारा, अगर उसके ऊपर एक्सपायरी डेट मिल जाए, बाकी आप कुछ मत दो लेकिन एक्सपायरी डेट दे दो, वो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। टेंशन दूर हो जाती है कि यार इसको कब तक यूज करना है, कब तक नहीं करना है। अगर नहीं लिखा होता है तो कुछ महीने बाद तो सोचते ही रहते यार क्या एक्सपायर्ड हो गया है ये, या बचाया भी इसमें कुछ है ना। तो इसलिए मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है। दूसरा, इसके ऊपर ना इसका मैन्युफैक्चरिंग भी दिया है, एक्सपायरी भी दिया है, चलो इतना ही दिया है। और आपको यहाँ पर इसका शेड नेम नंबर सब मिल जाएगा। अब चलो मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। पैकिंग मुझे वाकई बहुत अच्छी लगी है इसकी भी। तो इसको अब खोल के मैं आपको शेड दिखाती हूँ कि शेड कैसा है। देखिए इतना प्रोडक्ट है इसके अंदर और ये शेड है मेरा, देखिए। तो इसका स्वैच मैं आपको करके दिखाती हूँ। वाकई इसका मतलब मैट टेक्सचर है और लेकिन ड्राई जैसा नहीं है बिल्कुल भी, अच्छा है, क्रीमी टाइप में भी है ये। और शाइनिंग बिल्कुल नहीं है इसके अंदर, क्योंकि मैट लिखा है तो मैट है, प्रॉपर मैट है ये, ठीक है। इसके अंदर विटामिन ई है तो लाइक आपकी लिप्स ड्राई नहीं होंगे, ये लाइक मुझे इसके एक स्वाइप से पता चल गया है, लाइक पता चल जाता है ना, थोड़ा बहुत हम लोग आइडिया लगा लेते हैं। एक चीज है जो मुझे थोड़ा सा
यू नो कमी लगी है इसकी लाइक बुलेट वाले हिस्से में, जैसे कि हम इसको यूज करके फिर जब हम बंद कर देते हैं ना, तो लाइक यहाँ ये जो सरफेस है इसका, यहाँ पर लिपस्टिक ना बुलेट जो होती है लिपस्टिक की, वो ना यू नो टच हो जाती है तो अगल बगल से ना खराब होने लगती है। लाइक देखिए, शायद कैमरा कैप्चर कर ले, तो बस इतना सा ही इसका एक थोड़ी कमी लगी है मुझे, अदरवाइज लिपस्टिक बहुत अच्छी है। मैं इसका एक ना वीडियो छोटा सा क्लिपिंग बना के अपनी इसी वीडियो में ऐड कर दूंगी, जहां पे मैं आपको इसका यू नो एक छोटा सा डेमो करके दिखा दूंगी। तो अब बात कर लेते हैं कि इसने जो क्लेम किया है, लाइक कंफर्टेबल टू वेयर लिखा हुआ था और स्मच प्रूफ। तो फ्रेंड्स, अगर इसको लगाने की बात है तो वाकई आपके लिप्स पे कुछ भी ऐसा आपको हैवीपन नहीं लगेगा, ना चिपचिप लगेगा कि आप यू नो इरिटेट हो जाएं कि यार इसको हटाओ जल्दी से, नहीं ऐसा नहीं लगेगा। बहुत यू नो स्मूथली ग्लाइड करेगी आपके लिप्स के ऊपर में, और थोड़ा मतलब कुछ सेकेंड लगते हैं इसको सेटल डाउन होने में, ठीक है। तो ये तो चलो इसका क्लेम सही है कि ये बहुत लाइट वेट लगती है, बहुत कंफर्टेबल लगती है और लिप्स के ऊपर ये वाकई बहुत अच्छी भी लगती है। मैंने एक दिन इसको लगा के ट्राई किया है। अब बात कर लेते हैं कि ये स्मच प्रूफ है कि नहीं। तो ये जो मैंने आपको यू नो ऐसे स्वेच करके दिखाया था, ये वही है। मैंने इसके ऊपर दोबारा से बिल्कुल भी लिपस्टिक अप्लाई नहीं की है, तो हम इसी को यू नो ऐसे करके देखेंगे कि ये बिगड़ती है या नहीं, या ट्रांसफर भी होती है मेरी इस वाली फिंगर्स पे या नहीं। तो चलिए करके देखते हैं। देखिए ट्रांसफर ये बिल्कुल नहीं हुई है, आप मेरे फिंगर देख सकते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत हुई हो तो हुई हो फ्रेंड्स, नहीं तो मुझे नहीं लगता। हाँ बहुत हल्का सा हुआ है, ओके ओके, बहुत मामूली सा हुआ है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ट्रांसफर हो गई हो, ठीक है। अब देखते हैं कि ये स्मच प्रूफ है या नहीं। तो इसी को थोड़ा सा यू नो ऐसे करके देखते हैं, तो ये आप खुद ही देख सकते हैं कि ये स्मच तो हुई है ना। तो चलिए ये किसमें कमी नजर आई है कि भाई ये बिगड़ सकती है। तो आपको अगर आप इसको लगा रहे हैं, कहीं लगा के जा रहे हैं, तो इसको अपने पर्स में रखना ही पड़ेगा आपको, ताकि थोड़ी बहुत लिपस्टिक अगर आपके होठों से हट जाएगी तो आप इसको फिर से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल बात की जाए तो लिपस्टिक अच्छी है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस पॉइंट की। तो प्राइस पॉइंट की बात ऐसी है फ्रेंड्स, इसके बॉक्स के ऊपर MRP दी हुई है जो कि है 499, ऑलमोस्ट क्या सीधे सीधे पूरे 500 रुपए है ना, 500 रुपीज। तो 500 रुपीज में आई थिंक एक्सपेंसिव है ये, लाइक थोड़ी नहीं बहुत एक्सपेंसिव है, वाकई ये एक्सपेंसिव है। लेकिन मैंने इसको डिस्काउंट में लिया था और मैंने इसे फ्लिपकार्ट से लिया है, तो ऑनलाइन तो ऑफर्स चलते रहते हैं, तो मैंने इसको लिया है 379 रुपीस में। यस फ्रेंड्स, 379, ऑलमोस्ट आपका 400 ही काउंट कर लीजिए, लाइक थोड़ा बहुत डिलीवरी चार्जेस भी लग जाते हैं, है ना। लाइक 100 रुपीस का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत खराब लिपस क्या बोल रही हूँ ऐसा नहीं है कि बहुत खराब लिपस्टिक हो, बहुत अच्छी लिपस्टिक है। अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं, लाइक अगर आप इतनी एक्सपेंसिव लिपस्टिक ले सकते हैं या लेना चाहते हैं तो एक बार इसको ट्राई जरूर कर सकते हैं। बाकी शेड्स बहुत अच्छे हैं इसके अंदर में, और ओवरऑल मुझे लिपस्टिक अच्छी लगी है। तो यही था मेरा एकदम ऑनेस्ट रिव्यू, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। अब बात कर लेते हैं अपने गिव अवे क्वेश्चन की। तो आज का क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स,
कि मैंने तो ये लिपस्टिक फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी, अब आपको मुझे ये पता करके बताना है क्या ये नायका पे है, क्या ये अमेजोन पे है, क्या ये पर्पल पे है। ठीक है, तीन नाम मैंने आपको बताए हैं, मैं नाम रिपीट कर देती हूँ, भूली नहीं हूँ, क्या ये नायका पे है, क्या ये अमेजोन पे है और क्या ये पर्पल पे है। जहां पर ये लिपस्टिक है आप वो मुझे बताएंगे कि कौन से साइट पे अवेलेबल है, साइट बोल लीजिए या जो ये तीन नाम मैंने बताए हैं वो बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है। और यही शेड वहां पर कितने में है, लाइक उसका प्राइस क्या है, डिस्काउंट प्राइस, ठीक है, एमआरपी वाला नहीं। तो मैंने जैसे ये 379 रुपीस में लिया है, तो ये अमेजोन पे, नायका पे, पर्पल पे अगर है तो कितने में है, ये आपको दो चीजें मुझे बतानी है। आंसर आपको डीएम करना है मेरे इंस्टाग्राम पे। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही हो फ्रेंड्स, आप लोगों को अच्छी लगी हो। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहीं पे बेल आइकन होगा प्लीज उसको भी हिट कर देना ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।